हे व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए लेकर आ गए हूँ आप सब के लिए एक नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जो कि Xiaomi की तरफ से होने वाला है, मी 11 लाइट। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अरे कर लो यार, इसमें कौन से तुम्हारे पैसे लगते हैं। खैर मजाक कर रहा था, चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ये मोबाइल फ़ोन Xiaomi की तरफ से एक MI सीरीज़ का ऑफिशियल वेरिएंट है जो कि 5G का सपोर्ट लेकर आता है अपने साथ। इस मोबाइल फ़ोन की एक्सपेक्टेड जो लॉन्च डेट है वो अराउंड अप्रैल के अंदर होने वाली है, जो कि इस बार पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। मोबाइल फ़ोन एक स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है जो कि 157 ग्राम जो कि बहुत ही लाइटेस्ट वेट के साथ आता है। इस मोबाइल फ़ोन की अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ और इसकी बैटरी की मैं बात करूँ तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें एक 4250 मिली एम्पार्स की बैटरी मिलती है जो कि 33 वॉट्स की Xiaomi की स्पेशल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस मोबाइल फ़ोन की अगर हम इंटरनल्स की बात करें तो इस मोबाइल फ़ोन में फ़िलहाल हाल ही में पाकिस्तानी मार्केट में एक ही वेरिएंट लॉन्च होगा जो 6GB की रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ आता है। इसके अंदर हमें डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। मोबाइल फ़ोन एक हाइब्रिड सिम स्लॉट यानी कि दो सिम कार्ड्स और SD कार्ड के सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम इसके स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है। इसमें NFC का सपोर्ट भी है। इसमें हमें इंफ्रारेड की पोर्ट भी मिलती है जो कि Xiaomi के फ़ोन्स की सबसे स्पेशल बात होती है। इस मोबाइल फ़ोन में हम लोग अगर बात करें तो Type-C हमें अवेलेबल है और इसमें जो हेडफोन जैक है, जी हाँ दोस्तों, हेडफोन भी इस बार इसमें Type-C में कन्वर्टेबल होके लगता है। इसमें नॉर्मल हेडफोन की आपको गुंजाइश नहीं मिलती, लिहाजा Xiaomi वाले अपना कनेक्टर इसके साथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर वाईफाई भी अवेलेबल है हमारे पास, जो कि वाईफाई 802.11 जो कि एक डुअल बैंड वाईफाई डायरेक्ट है, जिसमें हॉटस्पॉट भी हमें अवेलेबल मिलता है। मोबाइल फ़ोन के अगर हम स्पीकर की बात करें तो मोबाइल फ़ोन लाउड स्पीकर को सपोर्ट करता है, जिसमें इसके अंदर एक डुअल स्टेरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मौजूद है। 3.5 mm के ऑडियो जैक की नॉन अवेलेबिलिटी हमारे यूज़र्स के लिए थोड़ी बहुत हार्श हो सकती है, लेकिन एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के चलते Xiaomi भी अपने मोबाइल फ़ोन्स को एक लेवल ऊपर लेकर जा चुका है। चलिए बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के कुछ कैमरा फीचर्स के बारे में। मोबाइल फ़ोन के अंदर जब अगर हम सेल्फी साइड की बात करें तो मोबाइल फ़ोन का कैमरा हमें 16 megapixel जो कि f2.5 अपर्चर के साथ मिलता है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल को भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर हम HDR और पैनोरामा में वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि 1080p एट द रेट 30fps की सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। उसके साथ अगर हम मेन कैमरा की बात करें, जो कि ट्रिपल कैमरा होने वाला है, जो कि 64 megapixel का है 1.8K अपर्चर के साथ, और इसमें हमें एक हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को भी देखने को मिलता है। इसमें हमें 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, साथ ही में 5 megapixel का मैक्रो सेंसर भी मिलता है। LED फ्लैश लाइट की अगर हम बात करें तो उसमें डुअल टोन LED फ्लैश हमें अवेलेबल है, जिससे हमें कलर्स काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड और शार्पन देखने को मिलते हैं। 4K वीडियो को भी आप 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और 60fps से लेकर 120fps का सपोर्ट भी इसमें प्रोवाइडेड है, जो कि EIS यानी कि इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट हमें देता है। तो ये एक बहुत ही कमाल बात है। ये मोबाइल फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ, जो कि MIUI 12 पर बेस्ड है। इस मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G है, जो कि 8 nanometer की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर होने वाला है। ऑक्टा कोर का ये प्रोसेसर है। इसके अंदर हम GPU की बात करें तो एड्रीनो 618 का GPU इसमें लगाया गया है। चलिए कवर करते हैं मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले, जो कि एक OLED डिस्प्ले होने वाला है। जी हाँ, OLED जो कि 1 billion कलर्स को सपोर्ट करता है। इसका 90Hz का रिफ्रेश रेट है, जो कि इसको 800 nits तक की ब्राइटनेस हमें प्रोवाइड करता है। 6.55 इंचेस का ये हैंडी डिस्प्ले होने वाला है, जो कि हमें एस्पेक्ट रेशियो भी 85% के हिसाब से हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देता है। इसमें रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1080x2400 pixels होने वाला है, जो कि एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। इस मोबाइल फ़ोन में अगर हम ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, यानी कि अगर मोबाइल फ़ोन इन केस एक्सीडेंटली आपसे ड्रॉप भी हो जाए तो परेशान होने की कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपना फेवरेट स्पेसिफिकेशन ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।